सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो है वो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली आवर एट्थ लेक्चर एंड द लाइक टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू द सिटी। वी गो फॉर द रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर। तो उसमें जो है वो मैंने आपको कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो बताई थी, ठीक है? क्योंकि आपके स्नैरियो बेस्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके एग्जाम रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? जो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम उसको स्पेसिफिकली जो है वो रिव्यू करें, बट जो है वो आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है बच्चों? तो आज जो है बेसिकली हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो सीधी पढ़ेंगे, ठीक है? आई होप कि हम इसे वन या टू या थ्री लेक्चर्स में जो है वो कवर कर लें। बिल्कुल जो है वो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है? सीटी स्कैन की, के सीटी स्कैन के लिए जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, या सीटी स्कैन का बेसिक या स्पेसिफिक जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है। वैसे जब हम लोगों ने मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी पढ़ाया था, तो तभी मैंने आपको बताया था एक इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि सीटी स्कैन जो है वो क्या होता है और हम इसको किस तरह से जो है वो रेस्ट ऑफ द जो है वो हमारे जो रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज हैं उनसे इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द सीटी स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले जो इसका जो नाम है उसको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है जी? अब टोमोग्राफी का क्या मतलब है? आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जब सीटी स्कैन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों सीटी स्कैन का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि ये हमें स्लाइसिस के अंदर इमेज जो है वो दिखा रहा होता है, ठीक है? किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी का या किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का हमारे पास स्लाइसिस के अंदर इमेज जो है वो भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी शो करती है, या अगर हम कहते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो हमें जो शो करती होती है मोडेलिटी, जो रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी है, दैट इज बेसिकली द सीटी स्कैन, ठीक है? तो टोमोग्राफी इटसेल्फ का मतलब ही ये है कि हम जो है वो स्लाइसिस के अंदर या उसका जो क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे हैं, दैट इज बेसिकली द टोमोग्राफी, ठीक है? अब व्हाट इज कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज का ये मतलब है कि जो क्रॉस सेक्शनल या जो स्लाइसिस के अंदर हमारे पास इमेज आ रहा है उसको जो है वो एक प्रोसेसिंग होती है उसकी, ठीक है? और वो फिर प्रोसेसिंग के बाद, कंप्यूटराइज होने के बाद हमें जो है वो एक एक्सरे इमेज की तरह जो है वो फिर उसका एक फिल्म या इमेज जो है वो हमारे सामने शो हो जाता है, ठीक है? तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी क्या है कि जिसके अंदर हम स्लाइसिस में या क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे होते हैं, फिर उसकी फर्दर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है? और फिर या मॉनिटर, और उसके बाद फिर हमें जो है वो एक स्पेसिफिक फिल्म या स्कैन जो है वो हमें नजर आ जाता है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सरे, ठीक है बच्चों? हमने पहले भी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज, सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक्सरेज भी यूज हो रही होती है, ठीक है? अभी तक हमने एक्सरे पढ़े हैं, ठीक है? रेडियोग्राफी पढ़ी है, उसके अंदर भी हमारे पास कौन सी रेज यूज हो रही थी? एक्सरेज ही यूज हो रही थी, ठीक है? फिर हम फ्लोरोस्कोपी, मैंने आपको जो पढ़ाया जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो उससे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास कौन सी रेज यूज हो रही होती है? एक्स रेज ही यूज हो रही होती है, ठीक है? इसी तरह से सीटी स्कैन में भी जो है वो हम बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं? एक्स रेज यूज कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा, जैसे एक्सरे के अंदर जो है वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एक्स रेज की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट थी, इसी तरह से सीटी स्कैन में भी यही होगा कि डिफरेंट टिश्यूज होंगे तो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एक्सरे जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कंप्यूटराइज्ड सीटी स्कैन कंबाइंस अ सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड यूजेस कंप्यूटर प्रोसेसिंग टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस और स्लाइसेस ऑफ द बोन्स, ब्लड वेसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड द बॉडी। सीटी स्कैन इमेजिंग प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन देन प्लेन एक्सरेज डू। सीटी स्कैन कैन बी यूज्ड टू विजुलाइज नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज यूज्ड टू डायग्नोस डिजीज और इंजरी एज वेल एज टू प्लान मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले मेरी जो हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगेन जो पहले मैंने आपको बात जो है एक्सप्लेन की है कि हमारे कोई भी एरिया हो, ठीक है, बोन्स हो, ब्लड वेसल्स हो, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी के अंदर, उसके जो स्लाइसिस आएंगे या क्रॉस सेक्शनल इमेज आएगा वो हमारे पास किसकी मदद से आएगा? सीटी स्कैन की हेल्प से आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो पेशेंट की बॉडी का इमेज ले रही होती है, ठीक है? आप देखिए बच्चों, जब हमने एक्सरे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि हम पेशेंट को सिंपल खड़ा करते हैं, ठीक है, एक्सरे डिटेक्टर के सामने, और वहां से एक्सरे पास करती है और पेशेंट की बॉडी का जो है वो इमेज हमारे पास एक्सरे फिल्म के ऊपर आ जाता है। बट सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो डिटेक्टर लगा होता है वो मूव कर रहा होता है, जब वो मूव करता है तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ आपकी बॉडी का जो है वो क्या करता है, इमेज लेता है, ठीक है?
कोई भी बॉडी का एरिया होगा उसने डिफरेंट एंगल के साथ जब डिटेक्टर ने डिफरेंट एंगल से मूव करना है, उसने डिफरेंट एंगल से जो है वो रेस को बॉडी से पास करना है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो क्रॉस सेक्शन या स्ट्रेचेस इमेज जो है वो अपियर हो जाएंगे। देन वो कह रहे हैं कि आपके पास प्लेन एक्सरे से ज्यादा इमेज जो है वो डिटेल में दे रहा है, ठीक है जी। तो ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि एक्सरे में सिंपल हमारे पास टू डायमेंशनल इमेज आ रहा होता है, जबकि सीटी स्कैन में हमारे पास थ्री डायमेंशनल और स्ट्रेचेस या क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में इमेज आ रहा है। देन आप इसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह के टाइम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए जब भी कोई पेशेंट जो है वो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ इमरजेंसी में आता है और अगर स्पेशली उसका हेड ट्रॉमा हुआ होता है, ठीक है ना, हेड ट्रॉमा हुआ होता है, हेड ट्रॉमा में हम सबसे पहले जो है वो सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं, इस वजह से कि अगर वहाँ पे कोई पेशेंट के जो है वो कोई ट्यूमर बन गया, ठीक है, या कोई क्लॉट बन गया हुआ या कोई भी और जो है वो हेमरेज बन गया, कोई हेमाटोमा बन गया, तो वो हम उसको जो है वो लोकलाइज जो है वो कर सकें कि वो किस एरिया में, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम हमने अगर कोई सर्जरी करनी है तो सर्जिकल प्रोसीजर कर सकें, ठीक है। अगर कोई भी वैसे रेप्चर है या जो भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, वहाँ ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, उसको भी अगर हमने डिटेक्ट करना है कि वो किस लेवल पे पड़ा हुआ है और वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, तो वो भी हमें सीटी स्कैन जो है वो उसका प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शनल इमेज दे देगा उस एरिया के पार्ट का, और हमें जो है वो उसका इजीली पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज जस्ट स्पेसिफिक वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सीटी, जो कि मैंने आपको वैसे पहले भी इतना तो है जो इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको मेरा ख्याल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी जो है वो दे दी थी, ठीक है बच्चों। ये एक साइड मैंने आपको दिखाई थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में और मैंने आपको बताया था कि देखिए बेटा ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये उसका हेड है और ये हमने जब यहाँ से सीटी स्कैन किया तो ये उसके वॉलेट ऑफ द स्कल से लेके बेस ऑफ द स्कल तक हमारे पास डिफरेंट स्लाइसेस में सीटी स्कैन ने ब्रेन को डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। आप यहाँ से देखना शुरू करें तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो ब्रेन की आपको बोन नजर आ रही है, ठीक है जी, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल है, ठीक है जी, इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स नजर आ गई, ठीक है जी, हेमिस्फीयर नजर आ गया। फिर उसके नीचे हम आएंगे तो इंटरनल कैप्सूल नजर आएंगे, सरकाइलियर आए नजर आएंगे, आपको वेंट्रिकल्स नजर आएंगे, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल नजर आएगा। फिर उससे नीचे हम आगे तो हम कौन मेडुला सेरेब्रम का जो है, ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ब्रेन को एक पकड़ा आपने स्लाइस और उसको कट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने कभी जो है वो पोटैटो चिप्स जो हम जैसे हम आलू के चिप्स जो अगर आप गोल गोल काटेंगे तो आप कैसे करते हैं, एक स्लाइस काटते हैं, दूसरा साइड काटते हैं, तीसरा साइड काटते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे नीचे तक हम स्लाइसिस में उस पूरे जो है वो पोटैटो को कट कर देते हैं। इसी तरह से सीटी स्कैन आपके पूरे ब्रेन को हमें स्लाइसिस में करके जो है वो दिखा देता है, और अगर हमने देखना है कि कोई फ्रैक्चर है तो भी पता चल जाता है, कोई आपको ट्यूमर बना हुआ है किस लेवल पे बना हुआ है वो भी जो है वो हमें इजिली उसका आइडिया हो जाता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ओरिजिनली नोन एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी कैट और सीटी स्कैन एंड बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी, ठीक है जी, इसको इसके डिफरेंट नाम थे, इसको जो है वो कैट के नाम से या बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी के नाम से भी जो है वो पहले जो है वो जाना जाता था, ठीक है। अब यूजली आपने देखा है कि हम इसको सीटी स्कैन के ही नाम से जो है वो यूज कर रहे हैं। डिजाइन बाय गॉडफ्रे एंड हॉस्पिटल टू ओवरकम द विजुअल प्रेजेंटेशन चैलेंजेस इन रेडियोग्राफी एंड कन्वेंशनल टोमोग्राफी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इन्होंने क्यों डिस्कवर किया था गॉडफ्रे एंड हाउसफील्ड ने, क्योंकि जो हमारे पास सिंपल चैलेंजेस आ रहे थे कि हमें अगर किसी भी स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत ज्यादा उसके क्रॉस सेक्शनल लेवल पे जाके देखना होता था तो हमें नहीं पता चलता था। देखिए बच्चों जितना आप अच्छे तरीके के साथ जो है वो विजुलाइज कर सकेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को, उतना ही हम क्या कर सकेंगे अच्छा डायग्नोसिस बनाएंगे। जितना अच्छा डायग्नोसिस बनाएंगे उतना ही अच्छा पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा, ठीक है, या उसको सर्जरी चाहिए तो सर्जरी प्रोवाइड होगी, और अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। हर चीज आपको साइन एंड सिम्टम से और पेशेंट प्रेजेंटेशन से पता नहीं चल सकती, ठीक है ना। हमने पहले भी डे वन के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि रेडियोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो मेडिसिन है उसका हमारे पास बैकबोन कंसीडर की जा रही होती है, ठीक है, इसी वजह से बैकबोन कंसीडर की जा रही है, बिकॉज ये आपको एक स्पेसिफाइड डायग्नोसिस के अंदर जो है भी हेल्प कर रही होती है, और एट द सेम टाइम जो भी सर्जन है, जो भी डॉक्टर है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, उसकी क्या एफिकेसी है, वो पेशेंट के लिए कितना इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है, ये सारी चीजें भी हमें रेडियोलॉजी की हेल्प से पता चलते हैं, ठीक है। अगर रेडियोलॉजी ना हो तो ना ही हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकेंगे और ना ही पेशेंट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकेंगे, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा, मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्लेन रेडियोग्राफी इन्वॉल्व्स एक्स रेज दैट पास थ्रू द पेशेंट एंड क्रिएट एन इमेज डायरेक्टली ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। इमेज इज बेसिकली अ शैडो, Shadows give you an incomplete picture of an object's image. ठीक है बच्चों, तो जो सिंपल एक्सरेज हम जब करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप पेशेंट को डिटेक्टर के सामने खड़े करते हैं और एज इट इज पेशेंट का इमेज जो है वो आपको फिल्म के ऊपर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। आपने
एपीपी लिया तो वो आपको एपीपी शो करेगा, ठीक है। पीए व्यू आपने किया तो पीए व्यू शो करेगा, ठीक है। और अगर आपने ओब्लिक या लेटर व्यू लिया तो वो आपको वो व्यू शो करेगा। और अगेन उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पेशेंट की पोजिशनिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने एक्सरे के सामने पेशेंट को जो है वो खड़ा किया और आपने जो है वो बटन दबा दिया और एपी व्यू आ गया, बटन दबा दिया तो पीए व्यू आ गया। नो, हमें स्पेसिफाइड करके पेशेंट की पोजिशनिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि अगर वो पोजिशनिंग प्रॉपर ना हो तो क्या होता है कि एक्सरे में एरर भी आ जाता है, ठीक है ना, कि अगर प्रॉपर पोजिशनिंग ही नहीं की तो आपको नहीं पता चलेगा कि वहां पे फ्रैक्चर है या नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ब्रेन रेडियोग्राफी जो है वो आपको एक प्रॉपर इमेज नहीं दे रही होती, बल्कि आपको सिंपल एक जो है वो शेडो, एक इमेज का, एक जैसे आप किसी के ऑब्जेक्ट का, किसी के ऑर्गन का, किसी भी स्ट्रक्चर का एक शेडो दे देती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली एक शेडो से जो है वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे एक चीज को, ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या जरूरत पड़ेगी, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपको पता है बच्चों, आपने पढ़े हुए होंगे कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, ठीक है जी, क्रोनल और फ्रंटल प्लेन, देन क्रोनल और फ्रंटल प्लेन, ठीक है जी, जो कि बॉडी को आपके राइट फ्रंट एंड बैक पार्ट में जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है जी। ट्रांसवर्स प्लेन आपका कौन सा होता है, जो कि बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है। देन सेजिटल और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, या इसको हम मीडियल या पैरासेजिटल प्लेन भी कहते हैं, जो कि आपके बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली सारे प्लेन्स बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास सीटी स्कैन है वो हमारे इन तीनों प्लेन्स के अंदर जो है वो बॉडी के इमेज जो है वो ले रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सरे जो ट्यूब होती है सीटी स्कैन में लगी हुई, जो जनरेटर होता है वो एक्सरे इमिट करता है और वो डिटेक्टर जो होता है वो रोटेट करता रहता है, वो रोटेट करता है और वो बॉडी को सारे एंगल्स में जो है वो बॉडी का इमेज जो है वो हमें लेके उसका एक क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसिस की फॉर्म में इमेज जो है वो दे देता है, ठीक है। आप ये देखें, ये अगर हमने एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको बड़े अच्छे से जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो कोरोनर प्लेन था, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो हमारे पास आ गया है आपका बॉडी का सेजिटल प्लेन, ठीक है, और सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया और ये हमारे पास आ गया है बॉडी का सेजिटल प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे अप एंड डाउन में कन्वर्ट कर दिया, राइट एंड लेफ्ट में हो गया और आपको जो है वो फ्रंट और बैक साइड में भी इसमें आपको जो है वो स्लाइसिस करके इमेज के दिखा दिए, ठीक है। अभी जब हम सीटी स्कैन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डिफरेंट एंगल्स के अंदर या डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जब इमेज होता है तो वो किस तरह होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो है वो प्लेन्स बॉडी के या जो एक्सेस है ये क्लियर होंगे, ठीक है, कि क्रोनल प्लेन किस तरह से बॉडी को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक में कर रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन किस तरह से अपर एंड लोअर में कर रहा है और मीडियन प्लेन किस तरह से राइट एंड लेफ्ट में कर रहा है, तो इजीली आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो है वो राइट एंड लेफ्ट वाला इमेज आ गया, ठीक है, ये अपर एंड लोअर वाला इमेज आ गया और ये जो है वो फ्रंट और बैक वाला इमेज आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्लेन के अंदर इमेज है। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है स्पॉट इमेजिंग के अंदर के बायवा में, लेट सपोज मैं आपको ये इमेज शो कर देती हूँ कि ये किस प्लेन में जो है वो ब्रेन का सीटी इमेज जो है वो ब्रेन बेसिकली सीटी जो है वो हमें किस प्लेन में ये जो है वो ब्रेन का इमेज जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये किस प्लेन में शो कर रहा है, ये इस प्लेन में शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो मैम। ओके मैम, ये जो थर्ड वाला इमेज था वो कौन से प्लेन में था, वो सेजिटल और लॉन्गिट्यूडनल है ना? ये वाला बच्चे जी मैम, देखिए बेटा ये वाली पिक्चर मैंने ऐड इससे की थी ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके। फ्रंटल प्लेन कौन सा है, जो आपको फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स अपर और लोअर में कर रहा है, सेजिटल या मीडियन प्लेन कौन सा है, जो राइट और लेफ्ट में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सा प्लेन आपको लग रहा है जिसने दरमियान से कट किया ना बॉडी के पार्ट को, मतलब कि उसने दरमियान से करके राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में हमें कौन सा कर रहा था प्लेन डिवाइड, सेजिटल प्लेन डिवाइड, सेजिटल, ठीक है। तो आपने जब प्लेन्स बच्चे याद रहे ना अपने बॉडी के ऊपर प्लेन्स बना के देखें कि अगर मैं अपने बॉडी को राइट और लेफ्ट में करूँ तो कौन सा प्लेन होगा, अगर अपर और लोअर हाफ में करूँ तो कौन सा प्लेन होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया, और अगर फ्रंट और बैक में करूँ तो कौन सा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेजिटल, ये हो गया हमारे पास फ्रंट और बैक में कौन सा कोरोनर प्लेन, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स जिसने पूरा जो है वो दरमियान से कट कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जब आप जो है वो सीटी स्कैन देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। Okay, thus a three-dimensional structure is depicted on a two-dimensional plane.
गिविंग राइज टू डिस्टर्बिंग सुपर इम्पोजिशन। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने जैसे डिजाइन की है, थ्री डायमेंशनल डिजाइन है, ठीक है, थ्री प्लेन्स है अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं। बट हमें जब एक्सरे देते हैं तो एक्सरे क्या करता है कि वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें नहीं देता। जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं देता तो क्या होता है कि हमारी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो वहां पर उनकी सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग आपको जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सीटी, तो उस समय बच्चों मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है और हम उसको डायग्नोज नहीं करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के ऊपर हमें वो जो है वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं नजर आ रहा होता? वो इस सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, और डॉक्टर ने ऊपर लिखा होता है कि जी फर्दर सीटी, वो सीटी इज रेफर्ड। ठीक है, भाई आप सीटी कराएं ताकि हमें क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस में इमेज नजर आए और फिर हम जो है वो इसको लेबल कर सकें कि इसका फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सीटी स्कैन हमें यहाँ पे इस चीज में हेल्प कर रहा है। सीटी कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द सुपरइम्पोजिशन ऑफ इमेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। द वर्ड टोमोग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक टोमो स्लाइस एंड ग्राफिंग टू राइट। डेफिनेशन, इमेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट्स स्लाइसेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बच्चे जो है डिफाइन कर दिया था कि टोमोग्राफी क्या है, कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट को जब स्लाइसेस की फॉर्म में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द टोमोग्राफी। और सीटी हमें हेल्प करता है जो प्लेन एक्सरेस के अंदर सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, सीटी के अंदर वो सुपर इम्पोजिशन नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ वाइवा में कि बच्चे आप मुझे बताएं कि सीटी स्कैन जो है उसके अंदर अगर कोई पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और हमें एक्सरे में वो क्लियर नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट को सीटी स्कैन क्यों रेफर करें? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि हम इसलिए रेफर करेंगे क्योंकि एक्सरेज में हमारे पास जो जो है वो टू डी इमेज आता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स की सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, जबकि सीटी स्कैन जो है वो हमें थ्री डी इमेज देता है, क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस की फॉर्म में इमेज देता है, और इसके अलावा ये जो है वो स्ट्रक्चर्स की सुपर इम्पोजिशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिकली आंसर और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सिर्फ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता होना चाहिए बल्कि जब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर ऐसा साइन लग रहा है, ठीक है, कि उसका कोई फ्रैक्चर है या कोई और मसला है, कोई पैथोलॉजी है जो कि एक्सरे में हमें क्लियर नहीं हो रही, तो हमें उसको फर्दर सीटी जो है वो रेफर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि सीटी हमारे पास ब्रेन का ही होता है, सीटी बोन्स का भी होता है, सीटी एब्डोमिन भी होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का भी हम सीटी करते हैं। कंपैरिजन ऑफ सीटी विद कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी सफर्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑनटू अ 2D इमेज। सीटी गिव्स एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरे जो है, अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चेस्ट का एक्सरे किया हुआ, ठीक है, तो ये आपको इस तरह का एक इमेज आ रहा है, जबकि अगर हम किसी ही जो है वो चेस्ट को सीटी करें तो आपको इस तरह से लंग्स जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज के अंदर नजर आए। ठीक है, और आपको बड़े इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई जो है वो लोअर लोब ऑफ द लंग के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मैस डिटेक्टेड है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई भी जो है वो पैथोलॉजी जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें कितना इजीली जो है वो ये पता नहीं चल रहा कि ये आइदर जो है वो मिडल लोब है या आइदर जो है वो लोअर लोब ऑफ द लंग है, दैट इज बेसिकली अफेक्टेड। ठीक है, तो अब अगर हमने यहाँ पे कोई फ्लूइड एक्युमुलेट था, कोई ब्लड एक्युमुलेट हुआ था, उसकी हमने एस्पायरेशन करनी है या जो भी सर्जरी करनी है या जो भी मेडिकेशन देनी है, वो हम सीटी की हेल्प से इजीली जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इवन आप देखेंगे बहुत सारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसमें भी डॉक्टर जो है वो अगर कोई पेशेंट है जो जिसमें जो है वो आपको वैसे साइंस एंड सिम्टम इतने क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसका इवन एक्सरे में भी आपको उतना ज्यादा कोई इन्फेक्शन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बट पेशेंट को एक ऐसा सिम्टम कोई ऐसा रेड फ्लैग साइन आपको जो है वो बता रहा है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि फर्दर क्लियर करने के लिए फर्दर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी लिखा गया, ठीक है, सीटी गिव्स एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम फर्दर डायग्नोस करने के लिए एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को सीटी लंग्स जो है वो रेफर कर देंगे। जब सीटी आ जाएगा तो बस फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि इमेजेस आ गए हैं हमारे पास स्लाइसिस के अंदर। अब हर स्लाइस के अंदर पकड़ के आपको सारा उस लंग्स को खोल के रख दिया और हमें जो है वो इजिली पता चल गया। जैसे मैंने अभी आपको एक पोटैटो की एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह से अगर आप देखें बच्चे कोई भी ब्रेड है आपके पास और अगर आप उसको इस तरह देखें, मैं कहती हूँ कि जी यहाँ पे इसके अंदर कोई फंजाई या एलर्जी लगी हुई है तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दिस। ठीक है, बट अगर हम उसको स्लाइसिस के अंदर काटें तो हमें इसीलिए पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे कोई एलर्जी या फंजाई थी, यहाँ पे कोई जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट था। ठीक है, तो दिस इज वट CT can do with the any structure or part of the body.
because of inherent high contrast resolution of CT tissues that differ in physical intensity by less than 1% can be distinguished. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होता है. कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ये होता है कि अगर कोई भी आपके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, डेंसिटी डिफरेंट हुई. ठीक है, आप देखिए सॉफ्ट टिश्यूज जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट है, बोन्स हैं आपके पास जो है मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, हर एक की डेंसिटी डिफरेंट है, हर एक की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, हर एक की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है. जब डेंसिटी डिफरेंट है तो क्या होगा कि जो रेज अब्सॉर्ब करेंगी वो इंटेंसिटी भी उनकी सबकी डिफरेंट होगी. ठीक है, तो अब जो है वो क्या कह रहा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी है, ठीक है, या ये जो डिफरेंट इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है, वो सीटी स्कैन की हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा हाई है. कितनी हाई है, कितनी हाई है कि अगर कोई टिश्यू के वो आपस में सिर्फ 0.1 यानी लेस देन 1% 0.0 है, 0.5 है, 0.4% भी अगर उनमें सिर्फ डिफरेंस है तो सीटी स्कैन उसको इजीली क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है. इसीलिए बच्चों अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि हमें रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी सीटी स्कैन हेल्प कर रहा है. ठीक है, कि अगर आपके पास कोई जो है वो किसी भी जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ये टिश्यू जो है वो नॉर्मल टिश्यू है और इसमें अभी कोई ट्यूमर ग्रोथ जो है वो नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप नॉर्मल टिश्यू में और अगर ट्यूमर टिश्यू के अंदर, ठीक है, आप 100 सपोज हम कहते हैं कि सिर्फ 0.2% जो है वो चेंज है, तो सीटी स्कैन अगर हम कराएंगे उस टिश्यू का तो हमें बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि जी ये इसके अंदर अभी सिर्फ 0.2% ट्यूमर ग्रोथ हुई है, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ट्यूमर ग्रोथ, ये टिश्यू जो है वो ट्यूमर सेल के अंदर डिवेलप हो जाएगा. It provides Fukert scan is able to image bone directly, shows the presence of calcification better, and is the modality of choice in patient with suspected metallic orbital foreign bodies. ठीक है बच्चों, तो bone को देखने के लिए, blood vessels को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि और भी हम abdominal organs को भी देखने के लिए CT scan जो है वो Fukert एक जो है वो हमारे पास available है. ठीक है, radiological modality, और उसके अलावा यहाँ पे mention है metallic orbital foreign bodies. ठीक है बच्चों, अगर अब आपने IE तो नहीं पढ़ा होगा, बट अगर हम आई की एनाटॉमी की तरफ या आई के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे आई हमारे पास बड़ा ही एक सेंसिटिव सा रीजन है. ठीक है, रेटिना, आयरस है, लेंस है, जितनी भी वेसल जा रही है हमारे पास आई के अंदर, अगर आपने नहीं आई पड़ी और आप आई को खोल के देखें जरा, उसको जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका अगर क्रॉस सेक्शन इमेज हम देखें, इट्स वेरी डेलिकेट थिंग. ठीक है, आप देखिए जो हम नॉर्मली हम देख भी रहे होते हैं तो हम देखते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक आपके पास पहले रेट्रोवर्टेड इमेज आता है एंड विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो जो है वो एक इरेक्टेड इमेज बन के हमें जो है वो शो होता है. ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसीजर हमारे बॉडी में जो आई है बड़ी एक डेलिकेट सी पार्ट है. बट अगर आई में भी कोई आपके पास कोई मेटेलिक फॉरन बॉडी चली जाती है, ठीक है, तो आप बड़ा इजीली उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं. इसके अलावा कोई भी जो है वो गन शॉट इंजरी है, ठीक है, और गन शॉट इंजरी में यह है कि अगर वो कोई बहुत छोटी सी जो थी वो कोई शॉट था, ठीक है, वो बॉडी के अंदर कहीं चला गया, ठीक है, और हम उसे नहीं डायग्नोज कर पा रहे हैं एक्सरेस में या किसी और भी रेडियोलॉजिकल मोडालिटी से, तो सीटी स्कैन आपको जो है वो एक क्विक स्कैन की फॉर्म में उसको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. सीटी जनरली मोर वाइडली अवेलेबल एंड चीपर, अलाउज अस टू डिसर्न द एग्जैक्ट लोकेशन कॉन्फिगरेशन ऑफ द लेजन एंड लेजन्स इफेक्ट ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स. In addition, knowing the precise location of a lesion, it facilitates the planning of an appropriate surgical approach to minimize the morbidity. ठीक है बच्चों, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी lesion patient के अंदर अगर आपको पास present है तो उसकी exact location क्या है. ठीक है, for example हमारे पास patient आया और उसको हमें लग रहा है कि उसका trauma हुआ था और उसका right side of the brain जो है वो affect हो गया. ठीक है, वहां पे जो है वो hit हुआ हुआ, वहां से bleeding हो रही है और आपको नजर आ रहा है. बट अब अगर हमने देखना है कि वो जो right साइड ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, पेशेंट के हमें साइंस नजर आ रहे हैं कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट का वाइटल्स भी जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो अब क्या है कि अब हमने देखना है कि इसके लेजन है किस साइड में. ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सेंट्रल कॉर्टेक्स में वहां पे कौन सा लोकेशन है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता चलेगा, हमें सीटी हेल्प कर देगा कि ये इस सेरेब्रल आर्टरी के अंदर जो है वो आर्टरी में भी फर्दर किस लेवल पे वो जो है वो प्रेजेंट है, वो आपको सीटी इजीली बता देगा. ठीक है, तो जितना इजीली हमें एक्यूरेट प्रिसाइज लोकेशन एक्यूरेट डायग्नोसिस हेल्प कर देगा सीटी बनाने में, उतना ही क्या होगा, हम अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, सर्जरी उतनी जल्दी हो सकेगी और एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉर्बिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने शायद एक सर्जरी होती है क्रेनियोटमी. ठीक है, क्रेनियोटमी एक सर्जरी होती है ब्रेन की, जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेन का जो एक बोन का फ्लैप है, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं और वहां से हम फिर ब्रेन को असेस कर देते हैं, आइदर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस और आइदर फॉर द सर्जिकल पर्पसेस. ठीक है, और फिर जब हमने अपना सर्जिकल या डायग्नोस्टिक पर्पस जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो दोबारा से फ्लैप जो होता है बोन का वहां पे लगा देते हैं. ठीक है, तो अब आप देखेंगे हम पेशेंट का जो है वो जो ब्रेन है उसको खोल रहे हैं, उसका
स्कल वहां से रिमूव कर रहे हैं, बोन फ्लैप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें पता ही ना हो कि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो क्या करेंगे हम, दोबारा से वहां पे बोन फ्लैप लगाएंगे दूसरी साइड पे वहां से कट करेंगे? नो, हम पहले पेशेंट का सीटी कराएंगे, ठीक है, हम देखेंगे राइट साइड इफेक्टेड लेफ्ट साइड इफेक्टेड है या कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, उस एरिया को स्पेसिफिकली फर्दर देखेंगे सीटी स्कैन में, क्योंकि स्लाइसिस में इमेज आ जाएगा, वो बता देगा कि भाई सेरेब्रल आर्टरी जो कि राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर को सप्लाई कर रही है और एट द सेम टाइम किस एरिया को सप्लाई कर रही है, उसका ये वाला रीजन जो है वहां पे ये वाला क्लॉट जो है वो पड़ा। तो आप क्या करेंगे, वहां से ब्रेन का फ्लैप जो है रिमूव करते हैं, उधर से क्लॉट निकाला, सर्जरी की, उसको दोबारा स्टिच किया और दोबारा से आपने ब्रेन का फ्लैप वहां पे लगा दिया, ठीक है। अगर आप जो है वो न्यूरो वार्ड्स में कभी काम करेंगे तो आपको वहां पे क्रेनियोटमी के पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये जो क्रेनियोटमी हो रही है उसमें हमें उसकी एक्यूरेसी में या उसकी जो सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी है उसमें जो बैकग्राउंड है जो कि हमें हेल्प कर रहा है, दैट इज बेसिकली द सीटी स्कैन, ठीक है जी। और मॉर्बिडिटी भी कम होगी, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, जितना अच्छा डायग्नोसिस होगा ट्रीटमेंट हो जाएगा, पेशेंट का डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, सीटी स्कैन मशीन का हमारे पास वैसे प्रिंसिपल क्या है, एक्सरेज आर अटेनुएटेड ऑन देयर वे थ्रू द टिश्यूज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। अटेनुएशन का क्या मतलब है, जब हमने पढ़ा था एक्सरेज तभी मैंने आपको बताया था, अटेनुएशन का क्या मतलब है कि इंटेंसिटी, जब भी एक्सरेज किसी भी बॉडी के पार्ट से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द अटेनुएशन। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ग्रे कलर का स्केल दिखाया था जब हमने पढ़ा था एक्सरेज, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बोन में, सॉफ्ट टिश्यू में, एयर में जब भी एक्सरेज पास करती है तो हर एक का एक डिफरेंट इमेज आता है, क्यों, क्योंकि हर एक की डेंसिटी डिफरेंट है और वो एक्सरेज को डिफरेंट तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या करें कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ जो है वो सम एक्सटेंट एब्जॉर्ब कर देते हैं और कुछ उनके अंदर से सम एक्सटेंट जो है वो रेज पास कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो सीटी का जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल है, क्योंकि एक्सरेज इसमें इस्तेमाल हो रही है इस वजह से ये भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है, डिफरेंट टिश्यूज हैं उसके अंदर डिफरेंट एक्सरेज जो है उनकी एब्जॉर्प्शन होगी और हमारे पास एक डिफरेंट जो कलर है उसका इमेज जो है वो आपके पास नजर आएगा। डिफरेंट टिश्यू प्रोवाइड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एक्सरे अटेन्यूएशन एंड इट इज दिस प्रॉपर्टी दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीटी इमेजिंग टेक्निक, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंट टिश्यूज है वो डिफरेंट एक्सरे अटेन्यूएशन उनके अंदर होगी। एक्सरे अटेन्यूएशन का क्या मतलब है, उनके एक्सरे इंटेंसिटी जो उनके अंदर एब्जॉर्ब होगी वो डिफरेंट तरह से होगी, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ टोटली करेंगे। सीटी मशीन कंबाइन एक्सरे रेडिएशन एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स कपल्ड विद अ कंप्यूटर टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसका नाम ही कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है, इसलिए हमें ये एक इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है जो कि क्या करता है कि जो पूरा हमारा इमेज है जो कि एक्सरे डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है उसको जो है वो हमें ये इमेज की फॉर्म में, एक क्रॉस सेक्शनल इमेज की फॉर्म में जो है वो उस बॉडी के पार्ट का इमेज जो है वो एट द सेम टाइम शो कर देता है। अच्छा जी, अब आ जाती है हमारे पास एक्सरे की एक सिंपल एक स्टैंडर्ड मशीन है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो जनरेटर्स अटैच होते हैं, एक फ्रेम होता है लगा हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सरे डिटेक्टर्स हैं, कि पूरे डिटेक्टर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, ये अटैच होते हैं। उसके बाद नीचे पेशेंट टेबल है जिसमें हम पेशेंट टेबल को लिटाते हैं, ठीक है जी। और ये है गेंट्री जो कि ये राउंडेड एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो ये देखा था मशीन, ठीक है। ये पेशेंट टेबल हो गया, इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर्स जनरेटर्स लगे हुए हैं, दिस राउंडेड पार्ट इज बेसिकली द गैंट्री, और इसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये अंदर जो है यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होंगे, पेशेंट अंदर जाएगा डिटेक्टर रोटेट करता रहेगा और डिफरेंट एंगल्स के साथ बॉडी के डिफरेंट एक्सेस की हमें क्रॉस सेक्शन इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ओके, देन ठीक है जी बच्चों, ये आ गया अगेन से सीटी स्कैन मशीन में डिटेक्टर हो गया, गैंट्री हो गया, पेशेंट टेबल हो गया, मोटराइज प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास मॉनिटर या कंप्यूटर अटैच है जिसके ऊपर इसका इमेज आपको शो हो जाएगा। द एक्सरे ट्यूब ऑफ द सीटी मशीन इमिट्स अ थिन कोलिमेटेड फैन शेप बीम ऑफ एक्सरेज दैट आर अटेन्यूएटेड एज दे पास थ्रू द टिश्यूज दैट दे आर डिटेक्टेड बाय एन एरे ऑफ सस्पेक्टेड स्पेशल डिटेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो स्पेशल डिटेक्टर्स मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि इसके अंदर हमारे पास स्पेशल डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए होंगे, अच्छा जी ठीक है। ये देखें आपके पास ये पेशेंट है, ठीक है, ये हमारे पास अब क्या है एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब से जनरेट हो रही है कॉलिमेशन, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि रेज जो आपस में पैरेलल फॉर्म में जो है वो पास कर रही होती है, दैट्स बेसिकली द कॉलिमेशन, ठीक है, मर्ज हो गया पैरेलल फॉर्म में, कंफाइंड फॉर्म में पास करती है। तो
एक्सरे ट्यूब ने एक्सरे जनरेट की, वो कॉलिमेटेड फॉर्म में जो है वो पेशेंट से पास किया। जब उन्होंने पेशेंट से पास किया तो हमारे पास सर्कल में डिफरेंट जो है वो डिटेक्टर्स, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया गैंट्री, उसके अंदर डिटेक्टर्स लगे हुए, उन्होंने जो है वो डिटेक्ट किया और इस तरह से आपके पास एक कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर ने उसका आपको क्रॉस सेक्शन इमेज जो है वो दे दिया। Okay, then as the X-ray beam is scanned around the body forming many views, the data recorded by the detectors are stored in computer memory for later reconstruction. ठीक है जी बच्चों, क्योंकि हम आपको पता है कि पेशेंट जो है, अब लेट सपोज पेशेंट आपके पास आया है और वो कहता है कि जी मुझे आज से कोई जो है वो 10 साल पहले जो है वो फॉलिश का अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद से जो है वो मेरा राइट आर्म जो है वो वीक है। अब आप कहेंगे जी जब आपको फॉलिश का अटैक हुआ था तो आपका क्या डायग्नोज हुआ था या किस लेवल पे जो है वो क्या डायग्नोज, तो उस पेशेंट को वो याद नहीं होगा। तो यूजली ये होता है कि हमारे पास जैसे पेशेंट को एक MR नंबर दिया जा रहा होता है, इसी तरह से पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए उसको एक स्पेसिफिक हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, वो आपके पास एक एज एन इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर या आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। और जब हम पेशेंट का नाम या वो स्पेसिफिक नंबर वहाँ पे ऐड करते हैं तो पेशेंट की जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी या जो उसने कोई स्कैन करवाए हुए थे या उसने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई थी, वो सारी जो है वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ अच्छी जो लेबोरेटरीज हैं जैसे कि चुपताई है और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज हैं, हम जैसे किए हैं और भी कुछ लेबोरेटरीज हैं इस तरह की जहाँ पे हमारे पास ये जो है वो बेसिकली फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, कि पेशेंट जब आप वहाँ से कोई भी अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, आइदर जो है वो कोई ब्लड की करवा रहे हैं कोई जो है वो, या फिर आप जो है वो कोई अपना स्कैनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग वहाँ पे जो है वो क्या सेफ हो जाती है। तो इसका बेसिकली हमारे पास ये भी एक फायदा होता है कि ये हमारे पास इजीली सेफ हो जाती है और हम फिर लेटर ऑन अगर हमने कोई डायग्नोसिस बनाना हो पेशेंट को तो वहाँ से देख सकते हैं। थ्री स्टेप प्रोसेस ऑफ सीटी इमेजिंग, अच्छा इसमें ये सिंपल से थ्री हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है जी, जो कि आप देखेंगे भी तो भी आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को हमने डिटाया तो वहाँ पर हमारे पास स्कैनर था, डिटेक्टर था, उसने उसको स्कैन किया, ठीक है जी, पूरा हमारे पास डाटा स्कैन हो गया। इस तरह से ये स्लाइसिस नजर आ रहे हैं बच्चों आपको, ये कॉलिमेटेड हमारे पास एक्सरेज है, ठीक है जी, जब ये पास नहीं तो उन्होंने क्या किया, कॉलिमेटेड एक्सरेज नहीं देखे किस तरह से हमारे पास डिटेक्टर्स, ये डिटेक्टर थे जिसने आपके अंदर डिफरेंट स्लाइसिस के अंदर इमेज को स्कैन कर दिया। अभी हमारे पास पेशेंट का पूरा स्कैन इमेज है। अब स्कैन डाटा ने क्या किया था? उसके बाद इमेज रिकंस्ट्रक्शन, जो डाटा स्कैन हुआ है उसने किसकी फॉर्म में जाना है, इमेज की फॉर्म में जाना है, ठीक है, एक डिजिटल इमेज की फॉर्म में जाएगा या एनालॉग, उसके बाद फिर उसकी कन्वर्जन होगी और वो फिर आपको कंप्यूटर के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर इस तरह से स्लाइस्ड या क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो नजर आ जाएगा। ओके जी, a complete scan is formed by rotating the x-ray tube completely around the body and projecting many views, ठीक है बच्चों, ये अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम लोग जो जो है वो जब स्कैन कर रहे होते हैं तो जो एक्सरे ट्यूब है जहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं वो बॉडी के अराउंड क्या होगी, मूव करेगी और डिफरेंट व्यूज में, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट एक्सिस में हमारा जो है वो इमेज ले लेगी, ठीक है, तब ही हमारा एक स्कैन जो है वो कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट वो रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा कि स्कैन जो है वो फिर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल या इस तरह से जो व्यूज है ये नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए आप डिफरेंट हम जब पढ़ते हैं ना सीटी को हम किस लेवल पे देखते हैं, ये एक स्लाइस होगी, दूसरी स्लाइस होगी, इस तरह से स्लाइसेस को फिर हम स्टडी करते हैं। ईच व्यू प्रोड्यूसेस वन प्रोफाइल और लाइन ऑफ डाटा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सारे व्यूज हैं, वो कहता है कि हर व्यू हमें एक प्रॉपर प्रोफाइल दे देता है, ठीक है। देखिए बच्चों अगर मैं पूछती हूँ जी कोई भी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अहमद आपकी क्या प्रोफाइल है, तो अहमद मुझे अपना नाम बताएंगे, सर नेम बताएंगे, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सीटी स्कैन कर रहे हैं तो सीटी स्कैन में जो एक स्लाइस है, जो एक व्यू है, वो हमें पूरी स्लाइस के बारे में पूरी प्रोफाइल देगा, ठीक है, कि ये सॉफ्ट टिश्यू, ये वाला सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, फैट है, हेयर है, ब्लड है, इसकी डेंसिटी इतनी थी, ठीक है, इसने इतनी रेस को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे अगर क्लॉट पड़ा हुआ है तो वो इस लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस टाइप का क्लॉट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पूरी प्रोफाइल दे देगा उसकी, ठीक है, इसीलिए हमें इसमें इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। देन द कंप्लीट स्कैन प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट डाटा सेट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट स्कैन के लिए इसको पूरा रोटेट करना जरूरी है, ठीक है, तो जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा तो ये पूरा हमें कंप्लीट स्कैन की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपने देखा है कि जब एक कोई भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है उसके नीचे लिखा होता है जी राइट साइडेड सेलुलर आर्टरी हेमरेज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिपोर्ट का इंप्रेशन आ गया, एक नीचे जो उसका फाइनल आपने रिजल्ट दिया होता है जिसे हम इंप्रेशन कहते हैं उसमें इस तरह लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो जो कंप्लीट डाटा सेट होता है या जो कंप्लीट स्कैन होता है उसका जो हमारे पास एक इंप्रेशन आता है दैट इज बेसिकली द कंप्लीट डाटा सेट। इन प्रिंसिपल वन स्कैन प्रोड्यूसेस डाटा फॉर वन स्लाइस इमेज, ठीक है जी, कि आपका ये जो वन स्लाइस है
ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक स्लाइस जो है वो आपका, एक स्कैन जो है वो आपका एक स्लाइस का इमेज प्रोड्यूस करेगा, मतलब अगर कंप्लीट स्कैन नहीं होगा तो आपके पास डिफरेंट स्लाइसेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए हमें प्रॉपर पेशेंट का स्कैन कंप्लीट जो है वो करना जरूरी है, ताकि हमारे पास कंप्लीट डाटा सेट आ जाए और ताकि जितने भी व्यूज हैं वो फिर हमें हर एक एक स्लाइस के बारे में प्रॉपर जो है वो प्रोफाइल प्रोवाइड कर सके। हाउएवर स्पाइरल हेलिकल स्कैनिंग दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है बच्चों। स्पाइरल या हेलिकल स्कैनिंग बेसिकली हमारे पास एक जो है वो ओल्ड जो है वो यूज होता था, स्पाइरल या हेलिकल स्कैनिंग सीटी स्कैन की एक मशीन थी जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपको पेशेंट को रुझान को रोटेट करना पड़ता था डिफरेंट एंगल्स में, ठीक है। जब हम पेशेंट को डिफरेंट तरह से रोटेट करते थे, मूव करते थे, तो जो है वो पेशेंट का स्लाइसिस या फिर इमेज जो है वो क्रॉस सेक्शन इमेज आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पास डिटेक्टर मूव करता जा रहा है और पेशेंट को मूव करने की जरूरत नहीं है, बॉडी स्टेबल है और पेशेंट का जो डिटेक्टर है वो मूव करता जाएगा और वो आपको स्लाइसिस की फॉर्म में इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ओके जी, अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो है वो स्टैंडर्ड मशीन किस तरह की होती है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि सीटी स्कैन जो है वो एक प्रॉपर, अगर थोड़ा सा हम इसके थ्री स्टेप्स देख लेंगे किस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से एक स्लाइस जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। देन हमने कुछ जो है वो ब्रेन रेडियोग्राफी और सीटी के अंदर डिफरेंसेस पढ़ लिया। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि आपको सीटी स्कैन को पढ़ने में शायद इतनी हेल्प ना दे, बट आपको जो है वो बेसिक्स में इनका जो है वो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। वॉक्सल है, रे प्रोजेक्शन है, मैट्रिक्स है, पिक्सल है, विंडो है, विंडो लेवल है। वॉक्सल क्या है? यूनिट एटेन्यूएटिंग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल जिसका हम स्कैनिंग कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, कि उस स्पेसिफिक एरिया ने कितनी इंटेंसिटी से उस क्या उस मटेरियल की वॉल्यूम था और उसने कितनी जो है वो इंटेंसिटी रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो आपको वॉक्सल बता रहा होगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली द वॉक्सल। ये प्रोजेक्शन क्या है? सिंगल एटेन्यूएशन मेजरमेंट, ठीक है, कि किसी भी टिश्यू के अंदर कितनी इंटेंसिटी से रेस जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, वो आपको रे प्रोजेक्शन। रे प्रोजेक्शन देखिए बच्चों नाम ही जो है वो शो कर रहा है, वॉक्सल इज फॉर वॉल्यूम, इस तरह से आपको याद करना, ठीक है। रे प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? कि रेज जो प्रोजेक्ट हो रही हैं, जो रेज बेसिकली एक्सिट रूट के अंदर से निकल रही हैं, ठीक है, वो कितने टिश्यूज के अंदर कितनी जो है क्या क्या उनकी मेजरमेंट होगी, ठीक है, और ईच मेजरमेंट वो आपको रे प्रोजेक्शन बता रही होती है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब ये हम आगे थोड़ा सा जाकर डिस्कस करते हैं कि सीटी नंबर होता है, ठीक है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम जिस भी ऑर्गन का हम ले रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, उसको हम एक न्यूमेरिकल नंबर जो है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है। उससे हमें इजीली फिर जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प हो जाती है कि ये एरिया जो है वो टिश्यू है, ब्लड है, एयर है, सीएसएफ है या क्या है, ठीक है। तो वो जो वो भी जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स। पिक्सल क्या है? यूनिट पिक्चर एलिमेंट, ठीक है जी। ये भी आप आगे जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि पिक्सल क्या होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जो पिक्सल आपके पास जैसे सेल फोन में हमारे पास एक पिक्सल होता है, ठीक है, मेगा कुछ हाई मेगा पिक्सल होते हैं, कुछ लो मेगा पिक्सल होते हैं, तो ये भी वो भी हमारे पास पिक्सल है, ठीक है। अगर आपके पास एक सीटी मशीन जो है उसका हाई पिक्सल होगा तो डेफिनेटली वो आपके पास एक अच्छा आपको इमेज देती है, और जिसका लो पिक्सल होगा वो आपके पास जो है वो क्या करेगी, इतना अच्छा नहीं जो है वो आपको शो नहीं करेगी। विंडो चूजिंग द नंबर ऑफ ग्रे शेड्स फॉर डिस्प्ले। विंडो क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने जब हमने एक्सरसाइज पढ़ा था तो मैंने आपको एक ग्रे स्केल दिखाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एयर ब्लैक नजर आएगी, फिर टिश्यूज किस तरह से नजर आएंगे, बोन किस तरह से नजर आएगी, इसी तरह से सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक ग्रे स्केल होता है और उस ग्रे स्केल के ऊपर फिर हम नंबरिंग कर देते हैं, और जो बेसिकली उस ग्रे स्केल के ऊपर हम नंबरिंग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द विंडो। विंडो लेवल द नंबर एट विच द विंडो सेटिंग इज सेंटर्ड, ठीक है जी। अब विंडो लेवल बेसिकली क्या है कि जो पूरी विंडो हमारे पास ग्रे स्केल की नजर आ रही है उसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं विंडो लेवल, ठीक है बच्चों। अगर इसमें आपको ये दोनों पॉइंट्स नहीं भी समझ आए विंडो या विंडो लेवल के, तो परेशान नहीं हो, हम आगे जाके इसको मैं आपको पिक्चर से जो है वो समझा देती हूं। वेरियस पैरामीटर्स फॉर सीटी, ठीक है जी, साइज, मैट्रिक्स, पिक्सल, वॉक्सल, सीटी नंबर, विंडोइंग, विंडो लेवल, विंडो विड्थ, पिच, ठीक है, ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, स्लाइस और कट, द क्रॉस सेक्शन पोर्शन ऑफ बॉडी व्हिच इज स्कैन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीटी इमेज इज कॉल्ड स्लाइस। द स्लाइस हैज विड्थ एंड देयरफॉर वॉल्यूम, द विड्थ इज डिटरमाइंड बाय विड्थ ऑफ द एक्सरे ब्यू, ठीक है बच्चों। स्लाइस या कट तो मेरा ख्याल है आप सबको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, मैंने बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स दे दी है, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शनल पोर्शन है, ठीक है, जो भी आपके बॉडी पास कहीं करके आ रहा है दैट इज द स्लाइस और कट इमेज, ठीक है जी, और उसका डेफिनेटली एक विड्थ भी होगी और उसका एक वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। अब उसकी जो विड्थ है या वॉल्यूम है वो हमें कैसे पता चलेगी कि जितना भी हमारे पास जो रेस जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है
उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। ज्यादा बर्थ होगी तो डेफिनेटली रेल जो है वो डिपेंड कर रहा है कि टिश्यू कौन सा है, उसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है, फिर उसी लेवल पे जो है वो रेस को एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो आपको तेरा ये पता होना चाहिए कि हर स्लाइस से कट क्या होता है, उसकी डिफरेंट जो है वो वॉल्यूम एंड विड्थ होती है। देन अभी हमने पीछे पढ़ा था मैट्रिक्स, द सिटी इमेज इज प्रेजेंटेड एज द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर, अ टू डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हम नंबर दे रहे होते हैं बेसिकली दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स, ठीक है, जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन थी दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स। अब उसको हम फिर फर्दर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, रॉज एंड कॉलम्स के अंदर, ठीक है। ऐसे रॉज एंड कॉलम्स बन जाते हैं हमारे पास। ये बेसिकली आपके लिए शायद इतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, एक्सरे की नंबरिंग करनी होती है, ठीक है, या उन्होंने जो है रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। बट दिस इज वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं आपके साथ जो है उसको शेयर कर रही हूँ। ईच नंबर प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन, ठीक है जी, ईच नंबर प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन, ठीक है जी। तो अब रॉज एंड कॉलम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि ये सीटी स्कैन जो मशीन होती है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है, हम यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करेंगे सीटी नंबर तो वो हमें बता देगा जी किस रॉ में जो है ये इसके सीटी नंबर है। और फिर देखेंगे हम सीटी नंबर, वो सीटी नंबर जो है वो रेफर कर रहा है किस चीज के साथ, वो ब्लड है या क्या है, ठीक है। ये आप आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देन आ जाता है पिक्सल। अब ईच स्क्वायर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पिक्चर एलिमेंट। अब आप देखिए बेटा कि हमने एक स्लाइस थी, स्लाइस को किसके अंदर डिवाइड कर दिया है, उसके अंदर भी मैट्रिक्स बन गया, रॉस एंड कॉलम्स बन गए। अब मैट्रिक्स के अंदर वो कह रहा है जो ईच हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, पिक्सल है। अब अभी मैंने आपको पीछे बताया था बेटा कि जितने ज्यादा पिक्सल हाई होंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे इमेज आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो सिटी स्कैन की मशीन जो कि हमें ये जो स्क्वायर्स हैं इनको और छोटा करके दिखाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें मोर एक्यूरेट पता चल जाएगा कि वहां पे कोई भी जो भी पैथोलॉजी है वो क्या है टिश्यू के अंदर। इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा हमारे पास स्लाइस जो है उसकी इमेज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब मैट्रिक्स भी आपको पता चल गया क्या होता है, और पिक्सल भी जो है वो आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। देन वॉक्सल, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट और नंबर इन द इमेज मैट्रिक्स प्रेजेंट अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इज कॉल्ड एज वॉक्सल, ठीक है जी। तो जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो भी हम जिस भी टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे कि ये स्फीयर था उसके अंदर उसका वो टिश्यू का वॉल्यूम भी तो होगा ना, जो उसका वॉल्यूम है दैट इज बेसिकली द वॉक्सल। सीटी नंबर, द नंबर्स इन द इमेज मैट्रिक्स इज कॉल्ड सीटी नंबर, ठीक है जी। बच्चों अभी बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जब इसके ऊपर सीटी स्कैन में जो है वो क्लिक करते हैं कि हमें लग रहा है यहाँ पर कोई पैथोलॉजी है तो वो हमें ऐसे करके एक नंबर दिखा देता है, ठीक है, वो दिखा देता है जी 100 आ गया, 24 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। फिर उन सीटी नंबर्स की हेल्प से जो है वो हम डायग्नोज कर लेते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो ये वाला एरिया जो है उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है और यहाँ पे ये पैथोलॉजी जो है वो पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। ये आपको और आगे जाके क्लियर होता है। Hounsfield units is related to different composition and nature of tissues. CT number is also known as Hounsfield number. ठीक है जी, जो अभी मैं आपको CT number कह रही हूँ उसको basically हम Hounsfield units भी कहते हैं. Represent the density of the tissues. Different tissue have different CT number range in Hounsfield. ठीक है बच्चों, ये हम बहुत दफा discuss कर सकते हैं, कर चुके हैं कि हर tissue की composition, chemical composition different है, क्योंकि chemical composition different है, densities different है. जब डेंसिटी डिफरेंट है तो वो रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो डिफरेंट लेवल पे करेंगी, डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ करेंगी। इसी बेसिस के ऊपर हमने जो है वो सीटी नंबर जो है वो बेसिकली डिवाइड किए होते हैं, ठीक है, और उनको हम हाउंसफील्ड यूनिट्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हाउंसफील्ड यूनिट्स हैं, ये सीटी नंबर है। एयर का है हमारे पास 1000, वाटर का 0 है, बोन का 1000 है, ब्लड 40 to 70, CSF 15, कैल्सिफिकेशन 140 to 200, फैट 50 to -100, ग्रे मैटर 32 to 45, वाइट मैटर 20 to 30, ठीक है बेटा। तो अब ये देखें कि हम जब इस तरह से सीटी स्कैन का एक इमेज है, फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है, तो इसमें वजह से मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे करके क्लिक करेंगे साइड से, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि पेशेंट को यहाँ पे कोई जो है वो ट्यूमर है, ठीक है, या हेमरेज हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सीटी स्कैन की मशीन के ऊपर सीटी स्कैन नंबर जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो नंबर हमें बता देगा जी कि ये नंबर आया है, फॉर एग्जाम्पल आया है कोई भी, हम ब्लड कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल 40 to 70 के अंदर उसमें कोई भी नंबर शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई ब्लड है, ठीक है, जिसकी एक्यूमुलेशन हुई है, फिर हम उसको फर्दर डायग्नोज कर लेंगे कि वो जो है वो हेमरेज है, हिमाटोमा है, ठीक है, अगर हेमरेज है तो वो किस टाइप का है,
इस्केमिक हेमरेज है, ठीक है, या जो है वो दूसरी टाइप का हेमरेज है. तो ये आपको सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली सीटी नंबर हमें हेल्प कर रहा है, या हाउसफील्ड यूनिट्स या हाउसफील्ड नंबर जो है वो हमें हेल्प कर रहे हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए कि वो एरिया जो है वो कौन सा है. ठीक है जी, वो आइदर व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, वो मसल है, वो बोन है, वो कौन सा एरिया है, वो हमें कौन हेल्प कर रहा है, हाउसफील्ड यूनिट्स या सीटी स्कैन नंबर जो है वो हमें हेल्प कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है स्पाइस के अंदर जो हमने डिवाइड किए हुए रॉस एंड ये न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो डिवाइड किए हुए हैं दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स. फिर मैट्रिक्स के अंदर फर्दर जो एच स्केयर है दैट इज बेसिकली द पिक्सल. और फिर उस एच स्केयर या जो उस पिक्सल का जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमारे पास दैट इज बेसिकली द वॉक्सल. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इन सब को मजीद स्टडी करने के लिए मजीद एक्यूरेटिक डायग्नोसिस के लिए हमने हाउसफील्ड यूनिट्स या सीटी नंबर जो है वो बनाए. और वो नंबर फिर हमें हर टिश्यू की डिफरेंट डेंसिटी के मुताबिक जो है वो बता देते हैं कि ये जो है वो CSF है, ये ब्लड है, ये बोन है, ये ग्रे मैटर है, या ये फिर व्हाइट मैटर है. ठीक है, और फिर फर्दर हम उसको जो है वो स्टडी करके जो है वो डायग्नोज बना लेते हैं कि इस एरिया में क्या जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहे होते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल इंटरवेंशन पर्पसेस. Windowing is a system where the CT number of interest is spread cover the gray scale available on the display system. I think it's live for main delete kar deti hu kyunki ye shayad aapko samajh na aaye. Ki yahan se hum padh lete hain. The human eye can only perceive 16 shades of gray. Theek hai ji, ye hamare paas ye gray ke basically different shades hain par hamari eye jo hai Allah tala ne jo banayi hai wo inhi shades ko jo hai wo different 16 shades ko perceive कर सकती है, detect कर सकती है, differentiate कर सकती है. तो CT scanner records level of gray far beyond what the eye can see. ठीक है जी, तो अब CT scan क्या करेगा कि इस level जो ये gray के shades हैं, इसके अलावा भी कुछ shades जो हैं, उसको क्या करेगा, easily detect करेगा. ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि इसकी contrast resolution CT की हमारे पास high है. ठीक है, और ये वो tissue जिसकी density less than 1% है, उसको भी differentiate कर सकता है. ठीक है, इसी वजह से ये इसका ये जो हमारे जो वो ग्रे शेड्स जो कि हम नहीं देख सकते उसको भी सीटी स्कैन जो है वो क्या कर सकता है, इजीली रिकॉर्ड कर सकता है. देयरफॉर टू इंटरप्रेट इमेजेस वी हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ हाउसफील्ड यूनिट्स शोन विंडोइंग. ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि ये जो पूरा इसीलिए नहीं क्योंकि या आप बड़े अच्छे से ग्रे स्केल जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए हमने जो हाउसफील्ड यूनिट्स के नंबर है उन्हें जो है वो हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि ये ब्लड है तो उसका ये नंबर होगा, एयर है तो उसका ये नंबर होगा. The computer that converts this set range of Hausfield units into shades of gray we can see. ठीक है, फिर आप जो कंप्यूटर है वही हमें ऑटोमेटिकली इन नंबर्स को जो है वो ग्रे के शेड में हमें जो है वो कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, देखिए बच्चों, जब हम फॉर एग्जाम्पल एक रेडियोलॉजिस्ट है उसको नहीं समझ आ रही कि ये जो एरिया है अब ये ग्रे का शेड है. ठीक है जी, और ये डार्क ग्रे एरिया और हम कहते हैं कि जी ये जो है वो क्या है हमारे पास व्हाइट मैटर है, लेट्स सपोज. ठीक है, लेकिन हमें फर्दर जो है वो पता नहीं चल रहा कि ये व्हाइट मैटर है या नहीं है और हमने इसको मजीद कंफर्म करना है. ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे कि सीटी नंबर यहाँ पे लगाएंगे और सीटी नंबर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो नंबर अगर ग्रे मैटर की रेंज में फॉल कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है ग्रे मैटर. ठीक है, तो विंडोइंग क्या है कि जो पूरा हमारे पास स्केल है दैट इज बेसिकली द विंडोइंग. अब इसमें फर्दर दो चीजें आ जाती है, एक होती है विंडो विड्थ और एक होती है विंडो लेवल. द रेंज ऑफ हाउसफील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट tissue in this range will be displayed in various shades of gray. Tissue with Hausfield outside the range are displayed as black or white. अब जो इसमें क्या होता है, window width हमें क्या help कर रही है कि अगर हमने किसी भी area of interest को study करना है, जैसे कि brain में अगर आपने specifically जो है वो focus करना है gray matter के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास CT जो system होता है या machine होती है उसमें help होती है कि आप उस area of interest को bright कर दें. ठीक है, या उस area of interest को जो है वो focus कर लें और जो remaining area है उसको आप mask कर दें, ठीक है, ब्लैक कर दें या व्हाइट कर दें और उस एरिया को स्पेसिफिकली स्टडी कर लें और आपको जो है वो भी इजीली पता चल जाएगा कि वहां पे क्या जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये बेसिकली विंडो विड्थ है. अब विंडो लेवल क्या है, द सेंट्रल हाउसफील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स इन द विंडो विड्थ, जो कि हमारे पास विंडो विड्थ है उसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज बेसिकली द विंडो लेवल. अब आई थिंक आपको मैट्रिक्स वॉक्सल सीटी नंबर तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन शायद विंडो विड्थ और विंडो लेवल अभी क्लियर नहीं हुआ होगा. उस क्लियर करने के लिए मैंने आपकी एक पिक्चर ऐड की है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विंडो विड्थ क्या है. ठीक है जी बच्चे, मैंने आपको क्या है विंडो विड्थ क्या है, जो ग्रे स्केल है हमारे पास सीटी स्कैन में उसकी जितनी भी रेंज है ना, आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ये ग्रे स्केल है हमारे पास, ठीक है, सीटी उसका स्कैन का,
इसके जितने भी विड्थ है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक खत्म होती है, ये विंडो विड्थ है, ठीक है। और विंडो लेवल क्या है, जो विंडो लेवल को हम जो है वो विंडो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, वो पॉइंट जो मिड पॉइंट है बेसिकली हमारे पास विंडो विड्थ का, ठीक है, उसको हम कहते हैं विंडो सेंटर या फिर विंडो लेवल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द टू डिफरेंसेस बिटवीन द विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ। और ये ज्यादा जो है वो हमें हेल्प करी होती है जब हमने जो है वो रिपोर्ट बनानी होती है या हमने डायग्राम्स बनाना होता है। अब यहाँ से भी आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है, विंडो लेवल और विंडो सेंटर। अब देखिए बच्चों, अगर विंडो जो लेवल है या विंडो विड्थ है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास नैरो होगी या फिर वो वाइड हो सकती है, ठीक है। डिस्प्ले नैरो रेंज ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेज वाइड रेंज ऑफ पिक्सल, ठीक है। अगर नैरो होगी विंडो विड्थ तो वो आपके पास नैरो पिक्सल्स शो करेगी, ठीक है ना। और अगर वो वाइड होगी तो पिक्सल्स क्या होंगे, जो हमने पिक्सल्स क्या होते स्क्वायर है ना, तो वो बड़े बड़े स्क्वायर आएंगे। अगर नैरो होगी विड्थ तो हमारे पास नैरो से जो है वो आएंगे पिक्सल्स आएंगे, ठीक है। अब बेस्ट फॉर स्टफ विद सिमिलर अटेंशन वैल्यूज, ठीक है। तो अगर पिक्सल्स हमारे पास छोटे हैं या विड्थ हमारे पास कम है तो वो किसके लिए हमें यूज कर सकते हैं, हम उन सॉफ्ट टिश्यूज के लिए जिनका अटेंशन लेवल सेम है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज हैं और वो सेम लेवल पे ही जो है वो रेस को ऑब्जॉर्व करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें हम अगर कम पिक्सल वाला सीटी स्कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे टिश्यूज हैं जिसके अंदर जो अटेंशन वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि लंग्स में या ब्रोंकाई में जो है वो डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों के अटेंशन में, तो उसके लिए हमें फिर वाइडर रेंज विंडो जो है वो सीटी स्कैन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज बेशक ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने आपको बताया ये बेसिकली एक मशीन लेवल पे जो है वो बात है कि विंडो जो है वो विड्थ उसकी ज्यादा अगर वाइड हो या अगर उसकी नैरो हो तो वो आप किस तरह से जो है वो हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा नहीं भी समझ आता तो इस पर फोकस कर लें कि व्हाट इज विंडो विड्थ एंड व्हाट इज विंडो लेवल, ठीक है जी। देन ठीक है जी, ये आप स्लाइड हम निकाल देते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। Improving picture quality, reducing pitch, small detector size and therefore small ray size, small voxel size. ठीक है, तो जैसे बच्चों मैंने आपको पीछे बताया है कि हमने अगर जो है वो पिक्चर को इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो उसका voxel size है या जो उसका pixel size है उसको जो है वो हम मजीद जो है वो या तो voxel को डिक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, और जो pixel size है उसको हम जो है वो मजीद इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। रे साइज को भी जो है वो फिर हम देखेंगे, ये बेसिकली आपके लेवल पे तो नहीं है, ये तो उनके लिए है जो स्पेसिफिकली जो है वो डायग्नोज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पेशेंट का सीटी हो रहा है और हमने इमेज लिया है तो हमने मजीद उस इमेज को किस तरह से विजुलाइज करना है, ठीक है। आप अगर एक्सरे भी देखेंगे तो एक्सरे में भी हम इस तरह ही करते हैं कि हमें अगर जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि ये यहाँ पे कोई फ्रैक्चर है या नहीं है या बोन में कोई जो है वो पोरस है या नहीं है, ठीक है, या उसकी डेंसिटी किस तरह की है, तो हम फिर क्या करते हैं कि उस इमेज को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, या तो उसके शेड्स को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं या उसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए या एक्यूरेट फिलअप के लिए अगर हमने उसको जो है वो मजीद एक्यूरेट करके देखना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको मजीद इन तीन पे जो है वो ज्यादा काम करते हैं। साइज थिकनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अ सीटी डिपेंड्स ऑन साइज थिकनेस, द थिनर द साइज द हायर द रेजोल्यूशन, ठीक है जी। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट रेजोल्यूशन मिल रही है सीटी की, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, साइज की थिकनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। थिनर द साइज द हायर द रेजोल्यूशन, ठीक है, जितना ज्यादा थिन स्लाइस होगा उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन सीटी की ज्यादा होगी। वेरी फ्रॉम 1 to 10 mm, यूजुअली 2 mm कट्स आर ऑप्टिमल फॉर द आई एंड ऑर्बिट, इन स्पेशल सिचुएशंस थिन स्लाइसेस ऑफ 1 mm कैन बी मोर इन्फॉर्मेशन दैट ऑर्बिटल एथिक्स, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली होता क्या है कि अब ये हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के अंदर डिफरेंट उनकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ मशीन्स होती हैं जो कि 1 mm के डिफरेंस से आपको स्लाइस देंगी, कुछ होंगी जो 0.5 mm के डिफरेंस से स्लाइस देंगे जो है वो आपको स्लाइस देंगी, ठीक है, कुछ होती है 5 mm के डिफरेंस पे स्लाइस देंगी। तो अब ये मशीन टू मशीन वेरी कर रहा होता है, ठीक है, इसीलिए अक्सर ऐसे होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप इस डायग्नोस्टिक एरिया से या इस डायग्नोस्टिक सेंटर से जाकर सीटी स्कैन करवाएं, क्यों, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि जो वहाँ पे सीटी मशीन है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि वो हमें जो है वो बिल्कुल छोटे से लेवल का थिन स्लाइस भी देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ब्रेड की एग्जांपल दी थी बच्चों, तो जितना आप थिन स्लाइस ब्रेड का काटेंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि उस ब्रेड में अगर कोई भी फंजाई है या एलर्जी लगी हुई है तो वो किस लेवल पे लगी हुई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि अगर आप एक थिक स्लाइस काटें तो आपको पता चलेगा।
ठीक है, तो ये सेम केस ही हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन के केस में आता है, अगर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं या हम कोई भी एरिया जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सीटी स्कैन की रेजोल्यूशन है, हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लाइस थिकनेस। ठीक है, जितनी स्लाइस की थिकनेस ज्यादा होगी उतनी रेजोल्यूशन कम, जितनी स्लाइस की थिकनेस जो है वो कम होगी उतनी रेजोल्यूशन जो है वो क्या होगी, हाई होगी। इसका क्या मतलब है कि वो मशीन जिसमें जो सबसे ज्यादा थिन स्लाइस को रीड कर सकती है वो अच्छी होती है या बेटर उसके जो है वो रिजल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू वो मशीन जिसके जो है वो जो है वो रेजोल्यूशन कम होगी। But we can see the brain is gray, white matter is usually gray, dark gray, gray matter is usually light gray. ठीक है जी, ये आपके पास जो आपको dark gray area नजर आ रहा है, this is basically the white matter. और जो हमारे पास light gray area नजर आ रहा है आपको ये वाला, this is the gray matter. CSF is black. ठीक है जी, CSF की अगर आपको नजर आएगा brain के अंदर तो हमें ये आपको CSF नजर आ रहा है. ठीक है जी, this is basically the black color में आपको आएगा. Things that are bright on CT. जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मजीद इसको देखेंगे सीटी स्कैन को, तो आपको ये ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो है वो ये ग्रे स्केल के बारे में भी हम ज्यादा इन डिटेल पढ़ लेंगे कि क्या आपको टिश्यू या कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का सीटी स्कैन के ऊपर नजर आता है। ठीक है जी बच्चों, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था विंडोइंग की जो कि ग्रे स्केल था। अब ये जो ग्रे स्केल हम ऑटोमेटिकली आप जब सीटी मशीन के ऊपर करते हैं क्लिक, सीटी नंबर आपको बता देता है कि ये सीटी नंबर है। ठीक है जी, ये एटमॉस्फेयर यूनिट है और ये आपको इस तरह का नजर आता है स्कैन के ऊपर। ठीक है जी, तो आप नंबर देखते हैं, आप ग्रे शेड देखते हैं, फिर आप सीटी के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ग्रे मैटर है। ठीक है, ये वाइट मैटर है, ये सीएसएफ। तो दिस इज बेसिकली ये जो विंडोइंग है, विंडो विड्थ है, विंडो लेवल है, ये हमें या एटमॉस्फेयर यूनिट्स है वो बेसिकली हमें क्या कर रहा होता है सीटी स्कैन को समझने में जो है वो क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। विंडो एग्जांपल्स इन हेड सीटी, थ्री विंडोज आर कॉमनली यूज, ब्रेन विंडो, बोन विंडो एंड सबड्यूरल विंडो। ठीक है जी, तीन बच्चों हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं विंडोज, ब्रेन विंडो। अब आपका इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्लिक करूंगी, अरेंज पे चीज अरेंज हो जाएगी, मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करती हूँ, इस तरह से सारे शेप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम सीटी कर रहे होते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी कि ब्रेन विंडो मुझे चाहिए, तो वो मुझे ब्रेन विंडो दिखा देगा। अब मैं जब ब्रेन विंडो पे क्लिक करूंगी तो मुझे इस तरह का इमेज आ जाएगा, यानी कि मुझे ब्रेन को शो कराना शुरू कर देगा। इसमें हमें ब्रेन ज्यादा नजर आ रही है, बोन नजर नहीं आ रही। ठीक है, बाकी एरिया को उसने मास्क कर दिया। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करूंगी जी मुझे दिखाते हैं बोन विंडो, तो बोन विंडो में वो मुझे सिर्फ बोन के ऊपर दिखा रहा होगा। अगर कोई मुझे पता चलेगा कि कोई पेशेंट की जो स्कल की बोन्स है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं उसको क्लिक करूंगी मुझे दिखा दे सब ड्यूरल विंडो, तो सब ड्यूरल विंडो में मुझे इस तरह का इमेज दिखाएगा और मुझे पता चलेगा कि सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है वो पेशेंट को तो नहीं हुआ या सब ड्यूरल जो उसका एरिया है वहां पे कोई पैथोलॉजी तो जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम सीटी कर रहे होते हैं तो बेसिकली अगर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो उसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती उसको डायग्नोज बनाने में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास मशीन इस तरह की अवेलेबल है जो कि आपको एक क्विक जो है वो आपको डायग्नोसिस जो है वो बनाने में क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो ये मशीन के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो क्या होती है, इंस्टॉल्ड हो जाती है। कंट्रास्ट एनहांसमेंट, कंट्रास्ट स्टडी इन्वॉल्व्स इमेजिंग द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट मीडियम। मोस्ट ऑर्बिटल पैथोलॉजीज कैन बी इजीली विजुलाइज्ड विदाउट इंक्लूजन ऑफ अ कंट्रास्ट मीडियम एज ऑर्बिटल फैट प्रोवाइड्स इंट्रिंसिक बैकग्राउंड कंट्रास्ट। Contrast enhancing lesion is one which becomes bright or more intense after contrast medium infusion. ठीक है, तो बेटा ये तो हमने हर ही radiological modality में पढ़ा था कि contrast के साथ जब भी आप इस image को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, image की जो visualization है वो basically enhance हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही mention है कि आप कोई भी IV inject करते हैं या कोई भी radiological contrast medium जब देते हैं पेशेंट को तो भी कोई भी जो भी पैथोलॉजी होती है वो हमें क्या होती है, वो एनहांस्ड फॉर्म में जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑर्बिटल की केस में, आई की केस में फैट पैड वहां पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कंट्रास्ट की जरूरत नहीं होती। बट
अगेन जो है ये जो है वो पैथोलॉजी टू पैथोलॉजी और केस टू केस जो है वो क्या होता रहा होता है, वेरी कर रहा होता है. ठीक है, तो कोई भी रीजन हमें ऑब्वियसली कंट्रास्ट हम अगर एनहांस कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा. बट अगेन वही बात है कि जरूरी नहीं है कि आपने कंट्रास्ट पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया, अब वहां जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर हमसे डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता या हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है तो उस केस में हमें फिर कंट्रास्ट जरूरी होता है. कंट्रास्ट एजेंट इंक्रीजेस टिश्यूज हाउसहोल्ड वैल्यूज एंड थस इंक्रीजेस ब्राइटनेस. Evaluation of topic chiasma, peripheral region and or extraorbital extension of orbital tumors is best possible with contrast enhancement. Contrast enhancement also helps to define vascular and cystic lesion as well as optic nerve lesions, particularly with meningioma and glioma. ठीक है, तो ये different है, meningioma है, glioma है, आपने optic nerve को study करना है, आपने optic chiasma को देखना है, orbital tumors को देखना है. मैंने आपको पहले बताया था बेटा पीछे कि जो हमारी आई है that is basically a very sensitive और वेरी माइक्रो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने उन लेवल्स पे कुछ स्टडी करना है और हमें कोई नहीं जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो उसमें हम फिर हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट एजेंट जो है वो दे देते हैं. और कंट्रास्ट क्या करता है, उस एरिया को जाके क्या करता है, ब्राइट कर देता है. जब वो उस एरिया को ब्राइट कर देता है तो हमें इजिली जो है वो क्या हो जाता है, वो विजुलाइज हो जाता है स्कैन पे. ठीक है, ये आप देखें, ये एक दो बेसिकली आपके पास इमेजेस है, ये प्लेन सीटी है और ये कंट्रास्ट सीटी है. ठीक है, प्लेन सिटी में आप देखें कि हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ऑर्बिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी. फिर हमने क्या किया, उसके अंदर जो है वो कंट्रास्ट डाला. जैसे ही हमने कंट्रास्ट डाला तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी ट्यूमर, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग या कोई और पैथोलॉजी जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अगर हम सिर्फ इस तरह का सिटी देखते तो हम कहते जी कोई भी मसला नहीं, ऑर्बिट के अंदर सिटी क्लियर है. ठीक है, बट हमें लग रहा था कि पेशेंट कोई ट्रॉमा के साथ आया है तो हमें कोई इसके अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट करके इसको मजीद जो है वो देख लेना चाहिए. तो वो यहाँ से. ठीक है बच्चों, तो ये कंट्रास्ट एनहांसमेंट हम सीटी में भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं. अप्रोच टू डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जनरल प्रिंसिपल, लोकेशन, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, इमेजिंग फीचर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट. ठीक है बच्चों, तो अगर हमने सीटी में भी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, हमेशा आपको पेशेंट की लोकेशन, उसके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स के बारे में बताना चाहिए. पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इजिली पता चल जाते हैं. ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अगर राइट साइड का जो है वो हेमरेज हुआ होता है, ठीक है, या राइट साइड आपको कोई क्लॉट पड़ा होता है तो लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है. ठीक है, और लेफ्ट साइड अफेक्टेड होता है तो राइट साइड का स्ट्रोक होता है. इस तरह से अगर आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता होगी तो आपको इजिली जो है वो उसको विजुलाइज करने में जो है वो हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो जनरल एनाटॉमी बच्चों आपने पढ़ी है उसको जो है वो जरूर रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, प्राइमरी लोकेशन ऑफ लेजन डिटरमाइंड, वी शुड कंसीडर अदर पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ लेजन. ठीक है जी, सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता चल गया कि इस एरिया में है. बच्चे आप लोग अभी क्लास लीव ना करें बिकॉज आई हैव डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर रह गया, अभी आप लोग क्लास एंड नहीं करें. कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ लेजन. ठीक है जी, अगर हमें कोई भी, जैसे अगर हमने यहाँ पे लेजन डिटेक्ट कर लिया है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके क्या मार्जिन है, ये कितना ज्यादा जो है वो स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद एनहांसमेंट पैटर्न, अगर ये स्प्रेड किया हुआ है तो कहाँ कहाँ स्प्रेड कर रहा है, इसकी मोनी जो है वो स्प्रेडिंग है, ये किस तरह की स्प्रेड है, पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस. ठीक है जी, वो कोई भी उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं. अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रेश फ्रैक्चर होता है और अगर कोई ओल्ड फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो हमें कैल्सिफिकेशन नजर आता है. इसी तरह से हर टिश्यू की एक अपनी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, उसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए. और जो भी पेशेंट है उसकी क्या है प्रेजेंटेशन, किस तरह की. CT's procedure of choice in evaluating patient with orbital trauma is a rapid test that can detect bony and soft tissue injury, hemorrhage and foreign bodies, maybe blunt penetrating or involved blunt foreign bodies. The classical injury seen in blunt trauma is the blowout fracture. This commonly involves the floor and medial wall of the organ. ठीक है बच्चों, तो कोई भी जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई भी trauma है, either वो कोई जो है वो आपके eye injury है, कोई fracture है, या किसी किस्म का भी trauma है, उसमें हमें सीटी स्कैन जो है वो जो भी इंजरी है, आदर वो बोनी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, हेमरेज है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है, सीटी स्कैन आपको उसको एवेल्युएट करने में हेल्प करेगा. ठीक है जी, मसल बोन डिसऑर्डर्स हैं तब भी आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे. पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ ट्यूमर पता चल जाएगा. ठीक है जी, जैसे अभी मैंने क्रेनियोटॉमी में आपको एग्जाम्पल दिया है. कोई भी प्रोसीजर हमने करना है, बायोप्सी करनी है, सीटी स्कैन पहले करवा सकते हैं डिजीजेस को मॉनिटर करने के लिए. ठीक है, हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर है, कहीं भी कोई लिवर मैसेज है, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देखनी है. जैसे मैंने आपको भी बताया था, रेडिएशन ट्रीटमेंट से पहले हम देख सकते हैं कि ट्यूमर के पहले का साइज था, अब क्या साइज हो गया. ठीक है, डिटेक्ट इंटरनल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग. ठीक है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जैसे भी कोई भी ट्रॉमा होता है, हेड ट्रॉमा होता है, या कोई भी इंटरनल इंजरी हमें लगता है हुई है, तो हमें उसको मजीद प्रॉपर देखने के लिए हम सीटी स्कैन जो है वो करवा
लेते हैं. ठीक है जी बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है, हमने देख लिया बेसिक प्रिंसिपल भी और क्या इसमें और प्लेन रेडियोग्राफी में डिफरेंस है, कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सीटी के, एंड देन जो है वो मैंने आपको जो है वो उसके कुछ यूजेस जो है उसके ऊपर हमने अभी फोकस किया है. जब हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे इसको तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने सीटी को जो है वो मजीद देखना है. ठीक है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको से जो बात करनी है वो मैं डिस्कस कर लें. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम वो मैंने पोर्टल देखा था तो काफी ज्यादा एब्सेंट लगी हुई थी, 5 एब्सेंट लगी हुई थी, लेकिन मैम मैंने सब क्लासेस ली हैं. बेटा आपने सेक्शन स्विच किया है? यस मैम. और मैम उसके अलावा भी काफी बच्चों का और भी इस तरह का इशू है कि एब्सेंट काफी ज्यादा लगी हुई है पोर्टल पे. बेटा देखिए, इसमें ये था कि मेरे पास तो जूम के आपके जो है वो पढ़े हुए आपके ना सारे हमारे पास रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है ना ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस लगाई है. मैम आप एक दफा चेक कर लीजिएगा. बस तो मैंने अब सेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन मैंने कोई भी क्लास में मतलब ऐसे नहीं कि ना मैम मैंने भी कोई क्लास मिस नहीं की और मेरी भी एक एब्सेंट लगी हुई है. लेक्चर 9 मैम मेरी तो 5 लगी हुई है. मैं तो ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट भी करती हूं हर क्लास में. चलिए बेटा सुन ले, जो भी जिस स्टूडेंट को भी ये वाला इशू है ना अटेंडेंस वाला वो मुझे एक मेल कर दे तो मैं उनको चेक कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू मैम. मोहम्मद नुमान जी बच्चे बताएं. मैम एक फेवर चाहिए थी आपसे, वो ये कि वो मैम अभी वाइवा ना रखें प्लीज, कोई क्विज रख लें उसकी बजाय. एलएमएस पे 5% का सिर्फ क्विज हो जाएगा तो बेटर है मैम. वाइवा बहुत हेक्टिक हो जाता है, अभी शुरू में ही वाइवा रख लेंगे, बाद में फाइनल वाइवा भी एक होना है. 5% के लिए हर टीचर बस एलएमएस पे क्विज रख रहा है. आप 20 एमसीक्यूज दे दें, हम सोल्व कर लेंगे. क्योंकि मैम इस सब्जेक्ट में सॉरी बेटा फिर आप मुझे आपके बात से हो रही बताएं. मैम आप पिक्चर्स दे दें हमें, पिक्चर्स हम लेबल पर बात करनी है कि मेरी अटेंडेंस शो नहीं पोर्टल पे. अच्छा एक मिनट मान, आपकी बात मैंने सुन ली है पहले, फिर आपकी बात बता हैरा आप बता दें क्या कहना चाह रही हैं. मैम आपने अटेंडेंस लगा दी है ना पोर्टल पे, मेरी अटेंडेंस शो नहीं हो रही पोर्टल पे. बेटा कुछ स्टूडेंट थे उनका पोर्टल ब्लॉक है. ठीक है, मुझे नाम तो नहीं याद अब आईवन तो बच्चे आप थी कि नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का पोर्टल ब्लॉक था. मैम मेरा पोर्टल ब्लॉक नहीं है. आपका नहीं है तो आपके अटेंडेंस किसी ने भी शो नहीं हो रही. मैम मेरी भी नहीं हो रही, मेरा भी ब्लॉक नहीं है, मैं कॉल के बैठी हूं. मैंने भी अभी भी चेक किया, मेरी भी अटेंडेंस शो नहीं हो रही जबकि मेरा पोर्टल तो ओपन है. सारी क्लासेस की ऐसे हो रही है बच्चों? मैम जी इसमें सारी कोर्सेज के ऐसा ही हो रहा है, मैंने भी सारा देखा बैठ के. नो मैम ऐसा नहीं है सब में. मैम सब में तो लगी हुई है जिस जिसमें टीचर ने लगाई है, इसमें शायद किसी किसी का इशू हो. देखिए बेटा आप लोग एक दफा अपना देख ले पोर्टल से, ठीक है, फिर से रिव्यू कर ले और जिस जिस स्टूडेंट को जिस जिस क्लास में इशू है ना मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास आपकी सारी रूम की रिपोर्ट्स पड़ी है तो मैं एक दफा ना क्रॉस मैच कर लूंगी इसको. ठीक है, अब बच्चे जो मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि आप लोग मुझे बता दें कि जो हमने ओरल टेस्ट रखा हुआ है आपका पास कौन सा स्लॉट अवेलेबल है जिसमें मैं वो टेस्ट ले लूँ, हमारी क्लास होती है. मैम वेडनेसडे को 5 to 6 PM में ले लें आप. सॉरी नो मैम, जिस क्लास हो रही है उसमें रख लें, बेस्ट हो रहेगा. सेवन जो हमारा 5 स्लॉट है ये तो है ही है ना. ठीक है, इसके अलावा मैं कह रही हूँ आप मुझे कोई भी एक स्लॉट दो. मैम 7 स्लॉट में रखें. 7 स्लॉट में तो बेटा एक और क्लास है ना मेरी. मैम 6 में आप रिटर्न ले लें. मैम 6 आप ओवल रहने दें प्लीज, 7 में ले लें. बच्चे आप मुझे कोई भी एक स्लॉट बता दें, या चले आप मुझे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कोई एक स्लॉट बता दें, अदरवाइज फिर मुझे संडे को स्केड्यूल करना पड़ेगा. मैम एक संडे को कर लें. हमारे मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दिन 3 सब्जेक्ट्स के. यस मैम. बेटा तो फिर इसको हमने अब स्केड्यूल तो करना है ना, तो आप देखिए मैम वेंसडे को सिर्फ इसी का सब्जेक्ट का है रेडियो का, वो आप इवनिंग टाइम में 6 o'clock के बाद रख लें. चलिए फिर ऐसा करते हैं, या तो मैं 8 स्लॉट में रख लेती हूँ.
मैम आप रिटर्न फॉर्म ले लें प्लीज. यस मैम रिटर्न क्यों इतनी मत करिए, कैसे करेंगी आप ऐसे कर लेना, आप सिनेरियो भेज दे दें और टाइम कम रख लें. मैम बाकी नो मैम ठीक है, इस तरह टाइम कम रखने वाली क्या बात है इसमें, जैसे भी हो सही तरीके से होना चाहिए. ओरल आई है, यूनिवर्सिटी भी खुल रही है मैम, यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, उसमें वाइवा होगा हम लोगों का फाइनल वाइवा, फिर एग्जाम्स भी होने हम लोगों के. अभी इसे क्विज हम लोगों को तो उस तरह ले लें, सारे टीचर्स मैम क्विज ही ले रही हैं. बच्चों अब आप लोग मेरी बात सुनने ठीक है, देखें क्विज या ये होना या ना होना, अगर आपको लगता है कि इसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे क्विज में, इसमें नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही आपके क्वेश्चंस होंगे. अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो हम थोड़ा सा सिलेबस कम कर लेते हैं ठीक है. मैं आपको इतनी वो कर देती हूँ कि हम ऐसा करते हैं फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर देते हैं ठीक है ना. अब मेरा ख्याल है फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो थे वो इंट्रोडक्शन के थे, और उसके बाद थर्ड लेक्चर हमारा एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन था. फर्स्ट 5 लेक्चर्स है ना हमारे, वो हम कर लेते हैं ठीक है. जो लास्ट हमने पैथोलॉजी वाला पढ़ा है एक लेक्चर वो निकल जाएगा, एक एब्डोमिनल एक्सरे वाला निकल जाएगा, तो आपका सिलेबस बहुत और कम हो जाएगा. इसमें हम इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा कम कर दूँगी, फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर लेते हैं ठीक है. ये फर्स्ट सिर्फ आपको 5% का बार है. इसके अलावा बच्चों जो स्लॉट है वो हमें, आप लोग परेशान नहीं हो ठीक है बच्चे. देखिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपका जो आगे 35% का 40% का वाइवा होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है. तो इसमें प्रिपरेशन करें, इसमें तो परेशानी की बात नहीं है. और सेकेंडली ये है कि स्लॉट एक तो 7 स्लॉट है बच्चों हमारा, ये जो हमारी क्लास का स्लॉट है ठीक है, और उसके अलावा जो स्लॉट होगा वो 8 स्लॉट होगा सेम डे की वेडनेसडे को ठीक है. अब मैं खुद ही से डिवाइड कर दूंगी कि हाफ स्टूडेंट जो होंगे वो 7 स्लॉट में होंगे और हाफ 8 स्लॉट में होंगे. अराउंड आप लोग जो है वो 95 हैं, तो 40-45 इस तरह से हो जाएंगे ठीक है बेटा. अगर आप में से किसी का भी कोई इशू है, आप किसी जॉब पे हैं या उस टाइम पे, तो देखिए मेरी आप बात सुने बेटा, इट्स जस्ट अ 5 मिनट भी नहीं लगने आपके इस वाइवा में ठीक है ना. ये तो आपके 2-3 मिनट के अंदर मैंने आपसे 5 क्वेश्चन कर भी देने हैं, तो जो भी इशू है आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए लॉग इन होना है, 5 मिनट के लिए आप जो अपने टाइम स्लॉट पे वाइवा देंगे और आप उसके बाद जो है लीव कर देंगे ठीक है. तो अब इसमें कोई इतना मसला आप लोगों को होना नहीं चाहिए ठीक है. आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. फर्स्ट 5 लेक्चर्स है, मैं आपको आज फिर से मेल में जो है ना टॉपिक सेंड कर दूंगी ठीक है, कि अगर आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो ठीक है. लेक्चर्स के जो टॉपिक्स है वो सेंड कर दूंगी, और 7 और 8 स्लॉट ऑन वेडनेसडे, और स्केड्यूल मैं आपको खुद बना के सेंड कर दूंगी. वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा ठीक है. अब आप लोग खुद ही देख लें, जो ए वाले होंगे उनका 5-7 स्लॉट में होगा, जो नीचे वाले बाकी लास्ट वाले अल्फाबेट्स हैं उनका 8 स्लॉट में होगा ठीक है बच्चों. अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो मुझे बता दें. यही फेवर में बच्चों कर सकती थी कि मैंने आपका स्लॉट जो है वो सॉरी स्लॉट थैंक यू मैम ठीक है. हाँ जी आप बताएं, और किसी बच्चे को कोई मसला आ रहा हो इसमें? नो मैम. मैम हम लोग जो अक्सर लोग क्लिनिकल इंटर्नशिप्स करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में अगर हमारा ये ओरल क्विज होता है तो हम किसी कॉर्नर पे जाके अगर व्यू दिखा देते हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? आपकी समझ नहीं आई, इंटर्नशिप से क्या है? मैम हम में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप्स करते हैं क्लिनिकल, तो अगर हम क्लिनिक पे ही किसी कॉर्नर में जाके आपको व्यू दिखा दें तो कोई इशू तो नहीं होगा उसमें? जी जी कोई मसला नहीं. आप कह रहे हैं कि क्लिनिक पे आप मुझे वाइवा दे दें? यस यस मैम. नो प्रॉब्लम बच्चे, आप यू शुड बी आप कहीं भी बैठे हुए हो ठीक है, बस आपको जो है वो आपका पूरा मुझे फेस विजिबल होना चाहिए, आपके हैंड्स में कोई आपके पास जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो होने चाहिए, दैट्स इट. आपके पास कोई रीडिंग मटीरियल ना हो और जिस तरह से आप वाइवा देते हैं उसमें मुझे कोई इशू नहीं. आप कहीं भी बैठे हो, आप घर पे हैं, आप जॉब में हैं, आप इंटर्नशिप पे हैं, आप कहीं भी, आप किसी भी कहीं भी बैठे हैं, नो प्रॉब्लम ठीक है. आपने सिर्फ जो है वो अपने टाइम पे जो है वो अवेलेबल होना है. मैंने आपको 8:05 दिया तो 8:05 पे आना है, 6:30 है तो 6:50 पे आना है ठीक है. आगे पीछे नहीं होना आपने, बस ये बस है, और कोई मसला नहीं. ठीक है बच्चों, स्टूडेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हमने सिलेबस भी कम कर दिया है. अब तो मेरा ख्याल है बच्चों को ये इसमें क्वेश्चंस भी मुझे बनाने में बड़ा मुश्किल होगा कि कोई पीछे सिलेबस ही नहीं रहा. ठीक है, अब तो सिंपल थोड़ा सा ही रह गया, उसमें से 2 पैथोलॉजिकल वाला तो वैसे ही निकल गया है. अब मेरा ख्याल है आपको शायद एब्डोमिनल एक्सरे वाला था एक,
जो सिक्स था हमारा वो भी आई थिंक निकल जाएगा, फिर बहुत ही कम रह जाएगा. ठीक है, फाइव लेक्चर्स का जो है वो फर्स्ट फाइव लेक्चर्स जो भी हमारे हुए थे बच्चों वो आप लोग देख लें. ठीक है, मैंने आपके LMS पे जो है वो अपलोड हुए हैं. सेशन वन में फर्स्ट लेक्चर है, सेशन टू में सेकेंड है. इसी तरह से जो फर्स्ट फाइव सेशंस में आपके जो पांच लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं वो आपके अब ओरल टेस्ट का सिलेबस होगा. ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ. मैम थ्री फोर एंड फाइव तो कंबाइन किए थे आपने, 77 स्लाइड्स वाले. ठीक है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, जो कंबाइन हो गए थे बस वो कंबाइन ही है. ओके मैम, थैंक यू. फर्स्ट फाइव के अंदर जो भी है उसके अनुभव उसी में से मैं आपसे पूछूंगी, इसके अलावा नहीं पूछूंगी. ठीक है, आप लोग है वो अपने, लेकिन बेटा आप लोगों ने अब जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वेटिंग रूम में आके वेट करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ किसी स्टूडेंट का 6:30 है ना, तो ही और शी शुड बी वेटिंग इन द वेटिंग रूम एट 6:15. ठीक है, यानी कि आपने 15 मिनट पहले वेटिंग रूम में आके अपने टर्न का जो है वो वेट करना. ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी जो है वो उसको कम्प्लीट कर लेंगे और टाइम भी जो है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, और बेटा जो अपने टाइम पे नहीं आएगा, मुझे एक्सक्यूज किसी बच्चे ने नहीं देना कि फलाना हो गया, ये मस्ता हो गया, ये मस्ता हो गया, ये मैं रीशेड्यूल नहीं करूंगी. जो बच्चा नहीं आएगा जिसकी एब्सेंट होगी उसका जीरो कंसीडर होगा. ठीक है, तो ये अब आप लोग देख लो. ओके बच्चों, एनीथिंग एल्स? नो मैम. अच्छा जी, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा है MCQs लेक्चर नंबर 2 के. ठीक है, अभी इस वक्त तो बेटा मेरे पास मैं आपको उसमें से आपको कौन से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास या तो स्क्रीन शेयर कर दें या फिर. ओके मैम. ठीक है, या तो स्क्रीन शेयर कर दें या फिर आप मुझे मेल पे पूछ लें. ठीक है मैम, वो रिकॉर्डिंग में आपने बताए हुए हैं उनके आंसर्स. मैम वो उधर भी कंफ्यूजन थी उनके आंसर्स में, जब हम सबने आंसर्स किए थे तब भी ना उसमें, बाद में जब मैंने देखा तो कंफ्यूजन थी उसमें. और एक क्वेश्चन आपने तब लीव कर दिया था, मतलब आपने कहा था अभी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो मैम वो 5 o'clock वाली क्लास में मैंने सेक्शन शिफ्ट कर लिया, तो मैम आपको तब तक मैं शेयर कर दूंगी मेल में, तो आप उधर डिस्कस कर लें. आप मुझे मेल शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी और उसके बाद सारा नेक्स्ट क्लास सब स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके बच्चों, अब अच्छा अच्छा पढ़ें. ठीक है, सिलेबस भी आपका कम हो गया है, इसमें पैनिक नहीं होना और अपने स्केड्यूल को जो है वो आपने फॉलो करना है. ठीक है जी, ओके जी बच्चों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.